नमस्कार शिक्षार्थियों, NIS के स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं मेजबान फातिमा आज आपको दृश्य कला और शिल्प के बारे में के विभिन्न मटेरियल के बारे में बताऊंगी। तो आज हम बात करते हैं कि विजुअल आर्ट यानी दृश्य कला में और विजुअल आर्ट में यानी क्राफ्ट में कौन कौन से आपको मटेरियल, कितने मटेरियल होते हैं और हम किस तरीके से उसका यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे हमने पिछले अध्याय में पहले ही कला शिक्षा, उसके स्तर, उसके आवश्यक और महत्व के प्राथमिक स्तर पर पता है हमें। आपने महसूस किया होगा कि आर्ट एजुकेशन सीखने की एक प्राथमिक मार्ग है जिसमें बहुत ही सौंदर्यात्मक ढंग से उसको अपने आप को रिप्रेजेंट करना होता है। तो कला बेसिकली मानवीकरण, कौशल और आविष्कार द्वारा निर्मित विचारों की एक अभिव्यक्ति होती है। इसके अलावा कला शिक्षा सीखने का एक क्षेत्र होता है जो निम्नलिखित दो बिंदुओं पर आधारित होता है। एक होता है कला दृश्य कला, दूसरी जिसमें हम पेंटिंग, ड्राइंग, शिल्प, मूर्तिकला इत्यादि के बारे में बात करते हैं, और जो दूसरा हमारा पॉइंट होता है वो होता है प्रदर्शन कला, जिसे हम डांस, ड्रामा, म्यूजिक, कठपुतली इत्यादि के बारे में हम बात करेंगे। अब इत्यादि होता है, तो ये दो पॉइंट होते हैं। अब इसके बारे में अब हम बात करेंगे इस क्लास में कि दृश्य कला और शिल्प में होने वाली कौन कौन सी सामग्रियाँ यूज़ हम प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं, पहला है दृश्य कला और शिल्प में होने वाली सामग्री। एक बच्चे का जो समग्र विकास होता है विजुअल आर्ट के मूल सिद्धांतों के बारे में हमें पता होना चाहिए, जैसे कि कक्षा में सामान्य कला का प्रतिनिधित्व कर सके और विभिन्न मीडिया, सामग्री और तकनीकों के द्वारा विषय वस्तु को अपने विद्यार्थियों को समझा सके। कुछ पेंटिंग्स, ड्राइंग, मूर्तिकला, प्रिंट मेकिंग, कोलाज बनाकर और फोटोग्राफी के द्वारा अपने आइडियाज़ या विचारों को व्यक्त कर सके। तो दृश्य कला में बेसिकली जो हम मोस्टली जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं सामग्री, वो सामग्री बेसिकली किस पर्पज़ से, कि हम बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि किस तरह से इन सामग्रियों को यूज़ करके, इस्तेमाल करके वो अपने आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करें। तो पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि पेंसिल, हम जो यूज़ सामग्री, जो विजुअल आर्ट की जो सामग्री होती है उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि पेंसिल होती है। तो पेंसिल में यह सबसे आसानी से उपलब्ध माध्यम है और ये कागज़ों पर अपने आंतरिक जो इच्छाएं हैं उसको व्यक्त करने का एक बेहतरीन उपकरण होता है। तो इसका इसमें जो पेंसिल होती है, पेंसिल के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, प्रकार होती हैं। जैसे अगर हमने देखा एच, जो पेंसिल पे एच लिखा होता है, तो एच मतलब होता है कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड है यानी कठोर होती है, और मुलायम यानी जो जिस पे ब्लैक लिखा होता है यानी बी, ब्लैक मानी वो मुलायम होती हैं यानी जब आप उसे पेंटिंग करते हो तो, और पेंसिल द्वारा कालेपन का स्तर जो उसमें कितना डार्क होगी वो पेंसिल, कितनी ज़्यादा कालेपन उसमें ज़्यादा ऐड होती जाती है वो उसके बी पे डिपेंडेंसी होती है। जैसे हम देखते हैं कि 2H HB, 3B या 4B, 6B, 5B एक्सेट्रा, ये जो उसमें बी ऐड करते जाते हैं तो इसका मतलब वो पेंसिल उतनी ज़्यादा डार्क होगी। और अगर सिर्फ H है और वो 2H, 3H, 4H है तो मतलब ये हुआ कि वो पेंसिल बहुत ज़्यादा कठोर है। तो स्केचिंग के लिए जो उपलब्ध पेंसिल होती हैं उसमें हम ये देखते हैं कि जो वो HB होती है, बेसिकली हार्ड ब्लैक जिसे हम कहते हैं HB, मतलब लेखन में और ड्राइंग कलर में कला में इसका उपयोग किया जाता है। और 2B ब्लैक लाइट शेड देने के लिए उपयोग किया जाता है इसका। और जो 4B होती है वो मध्यम शेड देने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। और जो 6B होती है उसका डार्क शेड, जब भी हम कभी डार्क शेड देने की बात करते हैं, जैसे एकदम डार्केस्ट टोन होती है या थर्ड टोन होती है, तो उसमें हम 6B का यूज़ करते हैं। और बहुत ज़्यादा डिटेल यानी कहीं हमें बहुत ज़्यादा डेप्थ ऐड करनी है तब हम वहाँ पर 8B का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं, एक तो अभी हमने जो देखा ये सिंपल पेंटिंग है, वो पेंसिल है ग्रेफाइट पेंसिल। अब उसके बाद हम ये देखेंगे चारकोल पेंसिल किसे कहते हैं। ये चारकोल से बने होते हैं और ग्रेफाइट पेंसिल से ज़्यादा आसानी से फैल जाते हैं। जैसे उसमें जब हमें ग्रेफाइट पेंसिल होती है उसको जब हमें फैलाना पड़ता है तो एक दूसरे से मिक्सिंग करने के लिए उसमें एफर्ट देना पड़ता है, लेकिन जब हम चारकोल पेंसिल लिए तो इसमें कालापन का स्तर ज़्यादा बेसिकली होता ही है क्योंकि ये चारकोल से बना होता है, और जब हम इसे फैलाते हैं तो ये आसानी से ग्रेफाइट के मुकाबले में ज़्यादा अच्छे से बन जाता है। और इसमें टोनल वैल्यूज़ जो हैं तो डार्केस्ट टोन बहुत आसानी से इसमें दिए जा सकते हैं। ये तीन तरह की होती हैं बेसिकली, सॉफ्ट, हार्ड और ज़्यादा डार्क कलर की, यानी तीन ही वैरायटी इसकी इस पेंसिल्स में मिलती हैं।
फिर उसके बाद हम देखते हैं कलर्ड पेंसिल यानी रंगीन पेंसिल। तो ग्रेफाइट और चारकोल पेंसिल के विपरीत रंगीन पेंसिल के मोम यानी वैक्स या तेल आधारित होते हैं, जिसमें पिगमेंट्स और बाइंडिंग एजेंटों का अलग अलग अनुपात होता है। तो इसमें क्या होता है, इसके द्वारा कलरफुल पेंसिल के द्वारा आप क्या करते हो, जैसे नॉर्मल हम ग्रेफाइट पेंसिल है, अब यह कलर की अलग अलग वेराइटी होती है, इसमें आप सिंपल लाइन ड्राॅइंग या आप इसे कलरिंग भी हम करवा सकते हैं कलर पेंसिल के द्वारा। फिर उसके बाद देखें कलर पेंसिल में ही एक और वेराइटी होती है जिसे हम वाटर कलर पेंसिल कहते हैं। वाटर कलर इन्हें जल रंगों की तरह बिल्कुल प्रयोग किया जाता है। इन पेंसिलों द्वारा किए गए स्ट्रोक को, जो भी हम स्ट्रोक लगाते हैं, उन स्ट्रोक को पानी में लगाकर ब्रश के साथ फैलाया जाता है। जो बच्चे पेंटिंग में ब्रश का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं या नहीं कर सकते हैं, जल रंग प्रभाव देने के लिए इस पेंसिल का उपयोग कर सकते हैं। जैसे हम मोस्टली देखते हैं कि जैसे छोटे बच्चे हैं तो आप उसको जल रंग नहीं करवा सकते, लेकिन अगर आपको वाटर कलर का इफ़ेक्ट देना है तो वहाँ पर हम वाटर कलर पेंसिल है, जो भी स्टूडेंट्स हैं तो उनको इसके लिए हम पहले सबसे पहले से ड्राइंग करेंगे, फिर उसके बाद जब आप इसमें ब्रश में लगा करके जब पानी फेरते हो तो उसका बिल्कुल जल रंग की तरह ये इफ़ेक्ट करता है। तो वाटर कलर पेंसिल भी एक तरह की पेंसिल ही होती है, फिर उसके बाद जो कि अलग अलग कलर्स में मिलती हैं। फिर उसके बाद हम ये बात करते हैं कि पेस्टल रंग, बेसिकली पेस्टल रंग किसे कहते हैं। तो पेस्टल रंग एक स्टिक के रूप में होता है जो कि शुद्ध यानी प्योर पाउडर जो कलर पिगमेंट्स होते हैं उसको बाइंडर के साथ मिलाकर बनाया जाता है। तो पेस्टल भी विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे हार्ड पेस्टल। तो हार्ड पेस्टल जो होता है उसमें कलर पिगमेंट्स कम होते हैं और बाइंडर ज़्यादा होते हैं, जिससे उसमें क्या होता है कि शाइनिंग कम होती है, क्योंकि और रूपरेखा तैयार करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जब भी कभी हमें कहीं किसी के आउटलाइन तैयार करनी है या इस तरह की, तो वो हार्ड पेस्टल आप यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद हम इसका जो दूसरा तरीका है, जैसे उसमें हार्ड पेंसिल, तो अब इसका ये आप देख सकते हैं ऑयल पेस्टल का एक टाइप है, ये भी दो तरह का होता है। ऑयल पेस्टल जिसमें ऑयल ज़्यादा होता है, तो इसमें आप देखेंगे हार्ड पेस्टल में, ऑयल पेस्टल में ऑयल कलर पिगमेंट्स थोड़े ज़्यादा होते हैं ऑयल के मुकाबले, तो इसमें शाइनिंग थोड़ी ज़्यादा रहती है। क्रियॉन्स नीचे मैंने दिया आपको, तो क्रियॉन्स में जो इसमें पिगमेंट्स जो है थोड़े कम होते हैं, बाइंडर ज़्यादा होता है और ज़्यादा होता है, तो जिसकी वजह से जब हम इससे कलरिंग करते हैं तो इसमें शाइनिंग थोड़ी सी कम होती है कलर्स में। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सॉफ्ट पेस्टल की। तो सॉफ्ट पेस्टल में बेसिकली कलर वर्णक यानी कलर पिगमेंट्स ज़्यादा होते हैं और जो कलर को बाइंड करने का जो एजेंट होता है वो कम होता है, तो जिससे क्या होता है कि कलर जो होता है वो बहुत ज़्यादा चमकदार होता है और कलर को मिक्स और शेडिंग आसानी से किया जा सकता है। और इसका फोर्थ जो पॉइंट है वो ये है कि तैयार ड्राॅइंग में फिक्सेटिव यानी एक स्प्रे होता है जो उसको बाइंडिंग का काम करता है। जैसे आप कभी भी कोई भी सॉफ्ट पेस्टल जब यूज़ करोगे एक ड्राई मीडिया, तो जब आप इस्तेमाल करते हैं तो एक दूसरे में आपके हाथों में लगने लगता है, जैसे इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं, है ना। तो जो भी आप अप्लाई करोगे तो उसमें जब आप एक तरीके से फिर उसको भी फिक्स करने के लिए एक फिक्सेटिव एक स्प्रे आता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो फिक्सेटिव जो आप स्प्रे कर देते हो तो वो एक तरह से पिगमेंट बाइंड का काम करता है और वो कलर आप जो आपकी ड्राइंग है वो सेफ हो जाती है, वो सुरक्षित हो जाती है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे कि जल रंग किसे कहते हैं। तो एक तरीके का ये भी एक टेक्निक है, जल रंग जो होता है उसमें कलर पिगमेंट्स और बाइंडिंग जो बाइंडिंग एजेंट होते हैं वो उसमें ग्लू ऐड किया जाता है और वो वाटर के यानी जल के साथ काम किया जाता है, इसमें वाटर ऐड किया जाता है। अब इसमें दो तरीके से आते हैं, एक तरीका जो पहला एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक है इसमें केक छोटे छोटे केक बना करके उसमें एक बॉक्स में रखा जाता है। दूसरा जो होता है एक तरीका है उसमें यह है कि ट्यूब में सारे कलर्स मिलते हैं हमें, तो और इसको अप्लाई करने के लिए एक सबसे पहले कि वो जो कलर होगा उसको एक पैलेट होती है स्पेशल, तो उस पैलेट में यूज़ करके और उसमें पानी लगा लगा कर आपको जो भी सरफेस है उस पर पहले पानी अप्लाई करना है, फिर उसके बाद कलर किया जाता है, जिससे आपको इससे ड्राॅइंग से समझ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हम ये देखते हैं पोस्टर कलर किसे कहते हैं। तो पोस्टर कलर बेसिकली वो होता है जो कि जल रंग ही होता है, लेकिन ये अपारदर्शी होता है। जो नॉर्मल जल रंग होता है उसमें क्या होता है, पारदर्शी होते हैं, जो भी आप ड्राइंग करते हो उसमें वो पारदर्शी होती है, लेकिन ये
वाटर कलर भी ये अपारदर्शी होता है, इसमें कलर पिगमेंट्स में ग्लू मिलाकर बनाया जाता है। आपने इसको और ये आमतौर पर कांच के जार में मिलते हैं और इसे टेम्परा रंग भी कहा जाता है। इसका उपयोग पोस्टर लिखने, कार्ड बनाने या जैसे हम प्रिंट मेकिंग करते हैं, बच्चों से जो बात करते हैं हम कि कलर पिगमेंट्स में किस तरह से, जैसे कोई छापा चित्रण करना है या पेपर पर अगर यूज़ करना है तो पेपर के लिए एक उचित माध्यम होता है जिसे आप आसानी से यूज़ करते हो। आपने देखा होगा जब आप उस जार को ओपन करते हो तो देखते हो ऊपर से ग्लू रहता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कलर पिगमेंट्स को ये ग्लू मिक्स करके फिर ये बनाया जाता है। तो ये वाटर बेस्ड मीडिया है। पोस्टर में इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है और क्लासरूम में हम इसे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसे हम देखते हैं कि कलम और स्याही, तो बेसिकली पेन कलम और स्याही का उपयोग उसी तरह से है जैसे ड्राइंग पेंसिल का हम इस्तेमाल करते हैं। बाज़ार में कई तरह के पेन आते हैं जैसे मार्कर, फाउंटेन पेन इत्यादि, लेकिन हम बांस, नरकट से भी पेन बना सकते हैं, निब पेन इत्यादि। प्रत्येक कलम एक प्रकार की रेखा बनाती है, विभिन्न प्रकार के लयबद्ध रेखाओं के लिए कैलीग्राफी इत्यादि से इसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि अलग अलग तरीके से, जैसे आप किसी विलेज में मोस्टली हम ये भी कर सकते हैं कि हम मार्केट से नहीं लें, हम अपने अकॉर्डिंग जो हमारी नीड है कि हमें उसकी निब कितनी रखनी है, कितना मोटा बनाना है, तो वो पेन हम खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। जो बेंत आती है उससे, या नरकट होते हैं या सरकंडे होते हैं, इन सारी चीज़ों से आप कलम बना सकते हो। अब उसका यूज़ कैसे है, तो उसका यूज़ एक कैलीग्राफी के पर्पज़ से भी हम करते हैं, या अब उसका हम डेकोरेटिव पर्पज़ से भी करते हैं, या हम स्केचिंग के लिए भी हम इस पेन का यूज़ करते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि इस पेन का डिफरेंट माध्यम कौन कौन से मिलते हैं, जैसे मार्कर पेन हो गया, फेल्ट पेन हो गया, फाइन लाइन पेन हो गया। तो फाइन लाइन जो पेन होती है उसमें भी अलग अलग, जैसे 0.5 mm की है, कितने mm की, यानी उसकी थिकनेस कितनी है उस लाइन की, उसकी अलग अलग वेराइटी आपको मार्केट में मिलती है। फिर इन रंगों, इस जो जितनी भी आपके पास मटेरियल है, जो भी आप पेन परचेस करते हो उसमें, उसको क्या यूज़ कर सकते हैं कि जैसे नॉर्मल हम स्केचिंग के पर्पज़ से हम यूज़ कर सकते हैं, ड्राइंग भी कर सकते हैं, जो और जो पेंसिल का जिस तरह से हमने इस्तेमाल करना होता है, जैसे क्रॉस हैचिंग हो गया, शेडिंग हो गया, उस तरह से इसका भी यूज हम कर सकते हैं। या आउटलाइन करनी है तो आउटलाइन, जैसे हम किसी भी आकृति की जब हम आउटलाइन करते हैं तो वहाँ पर हमें ये ब्लैक पेन यूज़ करना अच्छा होता है। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं रंगोली, कि रंगोली मटेरियल कौन कौन से होते हैं। तो भारत की पारंपरिक सजावटी एक लोक कला है रंगोली। त्योहारों में महिलाएं घर के आंगन को रंगोली से सजावट करती हैं। विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार की सजावट की जाती है, जैसे राजस्थान, बंगाल में अल्पना इत्यादि। रंगोली डिजाइन सरल ज्यामितीय होती है, या देवता, कमल आकृतियाँ, विस्तृत डिज़ाइन इत्यादि द्वारा इसको सजावट किया जाता है। तो इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अब इसमें कौन कौन से सामग्रियाँ उपयोग की जाती हैं, तो मोस्टली हम ये देखते हैं कि अलग अलग, जैसे अगर घर के मटेरियल देखा जाए तो जैसे सूखा चावल, आटा या हल्दी। जैसे अगर आपको कहीं पीला कलर दिखाना है तो वहाँ पर आप हल्दी यूज़ कर सकते हैं। वो आटा है, सूखा चावल है, उसको आप वाइट कलर में यूज़ कर सकते हैं। सेकंड नंबर हम देखते हैं जैसे फूल हैं, डिफरेंट तरह के नेचर में फूल अवेलेबल हैं, जैसे गुलाब हो गया, गेंदा हो गया इत्यादि, कोई भी आप फूल की पंखुड़ियाँ या फूल समेत ले सकते हैं। या रेत है या धूल है, तो रेत नॉर्मली जैसे ब्राउनिश थोड़ी सी शेड होती है, तो उसमें डिफरेंट शेड्स होते हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, या नॉर्मल जो धूल होती है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद है दिया। तो दिया जैसे एक बहुत अच्छे तरीके से, जैसे आप उसको भी अल्पना में बहुत अच्छे तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कलर्स है और इसको वृत्त या स्वास्तिक बना करके, और फिर उसे गुलाल या सूखे चावलों के द्वारा, रंगों द्वारा रंगावली बना सकते हैं। तो उसमें बेसिकली क्या है, दिया को अलग अलग तरीके से प्लेस कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, पहला जो मैंने आपको दिखा है कि इसमें फ्लावर यूज़ किए गए हैं, और फ्लावर्स में उसमें ऊपर क्या है, दिए को रखा गया अलग अलग तरीके से, तो दिया भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सेकंड स्टेप में दूसरी बड़ी जो रंगोली है, इसमें आप ये देखिए कि क्या है कि डिफरेंट मटेरियल, जैसे कि येलो कलर है, और इसमें मैंने चावल भी है और रेत भी है, ये सारे मटेरियल यूज़ करके, और क्ले, जैसे यहाँ पे फोर्थ नंबर की जो रंगोली है उसमें आप ये देखिए कि क्ले है, कलरफुल क्ले जो मिलती है उसके थ्रू भी आप रंगोली बना सकते हैं। तो ये सारे जो जितने भी सामग्री हैं, उन सामग्रियों से आप अपने आप को, जितनी भी रंगावली है उसको आप उस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, या
कलरफुल पेपर कटिंग होते हैं उसको भी आप रंगोली में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि मिट्टी, मिट्टी से हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं और हम क्या बना सकते हैं। तो मिट्टी बेसिकली सभी उम्र के बच्चों को खेलना पसंद होता है, वे अलग अलग आकृतियाँ बनाते हैं उन मिट्टी से। तो मिट्टी का पकाना, जैसे आपको मिट्टी से कोई भी आकृति बनाई उसको पकाना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, मिट्टी के साथ काम का अनुभव ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे पार्ट जो भी आप बर्तन बना रहे हो या कोई चीज़ें, वो तो हम कुम्हार से भी खरीद सकते हैं, लेकिन जो एक एक्सपीरियंस करना है बच्चों को, वो एक्सपीरियंस बेसिकली हमें इस उसके मिट्टी का कार्य कराने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो पहला जैसे हम ये देखते हैं कि वो हम क्यों, हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, तो ये पहला हम ये देखते हैं कि मिट्टी के कार्य जब हम बच्चों से करवाते हैं तो उससे आँखों और हाथों में समन्वय बनाने में मदद मिलता है उनको। फिर वो कि मोटर कौशल उनका बहुत ज़्यादा अच्छा विकसित होता है और रचनात्मक शक्ति जो उनकी बढ़ती है इससे। और फोर्थ है, शिक्षण प्रक्रिया को अधिक रोचक और आनंदमय बनाया जा सकता है। और ये जब मिट्टी का कलाकृति जब हम कोई भी बनाते हैं तो उसमें उनकी एकाग्रता में सुधार मिलता है और कला विधियों में रुचि आती है। यह इस गतिविधि को करते समय सभी इंद्रियों का उपयोग किया जाता है, इसलिए यह सीखने की एक प्रक्रिया बेहद फ़ायदेमंद और लंबे समय तक बनाए रखा जा सकता है इसको। तो बेसिकली जो क्ले है, क्ले अमूमन क्या करते हैं लोग कि क्ले के कार्य जो होते हैं वो क्लासरूम में नहीं करवाते, लेकिन अब ऐसा होता है कि क्ले सिर्फ चिकनी मिट्टी नहीं, अलग मार्केट में आपको बहुत सारे रंग बिरंगी भी मिट्टियाँ मिलती हैं कलरफुल। तो आप उसके थ्रू भी, जैसे आपको कभी कभी किसी लोगों को लगता है कि क्लासरूम गंदा हो रहा है या कुछ भी, तो उससे लेकिन बच्चों की लर्निंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा होता है, उसमें उनकी एकाग्रता में सुधार होता है, उनको उनकी क्लासरूम उनको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। तो हमें अपनी क्लासरूम में क्ले का यूज़ ज़्यादा करना चाहिए। तो ये भी दो तरीके से मिलती हैं, जैसे एक ये मैं इसमें एग्जांपल देख लीजिए कि कलरफुल भी मिलती हैं मार्केट में अब, और नॉर्मल नेचुरल जो हम कुम्हार मिट्टी यूज़ करता है चिकनी मिट्टी, वो भी हम उससे भी हम कलाकृति बच्चों से बनवा सकते हैं। तो इसमें जैसे कलरफुल हैं तो कलरफुल में जैसे छोटे छोटे आप पॉट्स हो गए, टॉयज़ हो गए, वो बनवा सकते हैं। और इसमें कॉइल, जैसे हम आगे हम मेथड में पढ़ेंगे कि हम इसका मेथड में कैसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम ये देखते हैं एक्रेलिक कलर किसे कहते हैं। एक्रेलिक बेसिकली एक बहुत तेज़ी से सूखने वाला पेंट होता है। एक्रेलिक पेंट पानी में घुलनशील होते हैं लेकिन सूखने पर पानी के प्रतिरोधी हो जाते हैं। ये रंग आमतौर पर ट्यूब और कांच के जार में मिलते हैं। इनका उपयोग पेपर के अलावा कपड़े और कैनवास पे भी किया जा सकता है। तो जब भी हम इस कभी भी मटेरियल को भी लेने जाते हैं तो इसका हम अच्छे से बहुत अच्छे से उपयोग जो है उस पर भी करा सकते हैं, कागज़ के ऊपर भी, और उसके साथ साथ इसका उपयोग हम कपड़े के ऊपर भी बहुत अच्छे से करवा सकते हैं, क्योंकि कपड़े पे जो भी आप डिज़ाइनिंग करवाते हो वो कभी वो पानी के साथ छूटेंगे नहीं। तो जैसे हम ब्लॉक प्रिंटिंग है, तो ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए बहुत ही उपयुक्त माध्यम है जब आप कपड़े के ऊपर करवाना चाहो तो। तो इस तरह से इस कलर का उपयोग आप ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए अच्छे से कर सकते हैं, जो कि जो बच्चे कभी अपने लिए कपड़े डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, या आप उनके लिए बेडशीट हो गई या कवर हो गया, तो उसके ऊपर ये अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमें थे मिश्रित सामग्री। मिश्रित सामग्री किसे कहते हैं कि जैसे कोलाज बनाना है, रंगोली या क्लासरूम के बैकड्रॉप इत्यादि, और स्टेज, इस तरह के आर्ट वर्क जो भी तैयार किए जाते हैं वो मिश्रित सामग्री के द्वारा ही कम लागत पर उत्पादित किया जा सकता है। जैसे विभिन्न प्रकार के पत्थर, कपड़े, गत्ते, गोले, टिश्यू पेपर, कपड़ा, रस्सी इत्यादि को मिश्रित सामग्री की तरह यूज़ किया जा सकता है। जैसे हमने मिक्स मीडिया आगे आने वाले उसमें हम लेक्चर में देखेंगे कि जो इसके मेथड होते हैं, तो अलग अलग मिक्स मीडिया में हम इसका यूज़ कर सकते हैं मिश्रित सामग्री का। और जो मिश्रित सामग्री होती है वो छात्रों को रचनात्मक बनाने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है, जैसे क्योंकि प्रत्येक सामग्री को अपने आप, जैसे आपके पास कोई बेकार सामग्री है तो उस सामग्री को किस तरह से अपनी कल्पना शक्ति यूज़ करके आप किस तरह से उसे दूसरी चीज़ों को यूज़ करोगे, दूसरे ऑब्जेक्ट कैसे, आउटपुट कैसे क्रिएट करना है, तो इसके लिए रचनात्मक शक्ति ज़्यादा बढ़ाती है। और हमेशा हम ये जो मीडिया होता है, ये मिश्रित सामग्री कभी भी एक जो पारंपरिक कलाकार होता है उसकी तरह एक मीडिया पर निर्भर नहीं रखता। तो मिश्रित सामग्री आसानी से जो हमें उपलब्ध होती हैं वो पेपर,
कार्टेज शीट, पेस्टल पेपर, पतंग पेपर या ग्लेस पेपर, मैगजीन कागज़, टिश्यू पेपर, पैकिंग पेपर इत्यादि द्वारा मिलती हैं। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि इसके डिफरेंट रंग भी होते हैं, या जैसे मोमी रंग अभी हमने पीछे पढ़ा, और क्रेयॉन, सूखा पेस्टल रंग, पानी का रंग, पोस्टर रंग, प्राकृतिक खनिज इत्यादि ये सारे, और ब्रश हो गए तो गोल हैगोल ब्रश, जिससे कि हम हैगोल जो होता है उसको हम मोस्टली वाटर कलर में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और फ्लैट है, सेबल हेयर है तो सेबल हेयर का भी वाटर कलर करनिंग के पर्पज़ से बहुत अच्छा ब्रश माना जाता है। पेंसिल हो गई जो हमने पढ़ लिया अभी, 2B, 4B, 6B, 8B, और कोई भी चिपकाने वाला पदार्थ हो गया, गोंद या फेविकोल, इन सबको, ये जो जितनी भी सामग्रियाँ हम डिस्कस करें ये सारी मिश्रित सामग्री के अंडर आती हैं। तो इसका हम यूज़ कॉलेज के बैकड्रॉप हो गई, स्टेज हो गया, या हम इसका उपयोग अपनी डिफरेंट शिल्प के कार्यों में भी यूज़ कर सकते हैं, या कोलाज बनाने में भी हम इनका यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे हम पेपर के टाइप्स हैं, तो हम पेपर के टाइप्स यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे क्रेप पेपर है, तो क्रेप पेपर बेसिकली क्या होता है, थोड़ा सा हल्का होता है और उसमें टेक्सचर होता है, और इससे हम फ्लावर हो गए, बहुत सारी चीज़ें इससे भी बना सकते हैं। पेस्टल शीट है और कार्टेज शीट है, कार्टेज शीट जब भी हमें यूज़ करना होता है, अगर हम ड्राॅइंग के पर्पज़ से कार्टेज शीट यूज़ करते हैं तो इसका रफ़ वाला सर्फेस हमें यूज़ करना चाहिए। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं ग्लेस पेपर है, ग्लेस पेपर बेसिकली जिसमें शाइन होती है बहुत ज़्यादा, तो इसको हम कभी कोई चीज़ डेकोरेट करने के जिसमें शाइनिंग की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ कर सकते हैं। टिश्यू पेपर है, टिश्यू पेपर से बेसिकली हम बहुत ज़्यादा फ्लावर्स हो गए, या फ्लावर बेसिकली डेकोरेटिव पर्पज़ से फ्लावर्स हम इससे ज़्यादा ईजिली बनवा सकते हैं। और ये जैसे पैकिंग पेपर है, तो पैकिंग पेपर से इसकी कटिंग जैसे कलरफुल ये पेपर में भी आते हैं, और ये थोड़ा सा आपको इसमें डिफरेंट वैरायटी आपको मिल जाती है। तो इन सारे पेपर का यूज़ करके आप बहुत सारी चीज़ें जैसे मिक्स मीडिया में हम यूज़ कर सकते हैं इसका। फिर शिल्प सामग्री किसे कहते हैं, तो आइए देखते हैं। शिल्प सामग्री बेसिकली हमारे घर में भीतर बहुत सारी सामग्रियां उपलब्ध होती हैं जिनका इस्तेमाल नहीं होता है, इन बेकार वस्तुओं को हम शिल्प बना सकते हैं। थोड़ी सी कल्पना शक्ति होनी चाहिए, रचनात्मकता कौशल और वस्तुओं को देखने की क्षमता से अपशिष्ट पदार्थ का पुनः उपयोग करके शिल्प बनाया जा सकता है। यानी हमारे पास जो भी बेकार वस्तुएं घर में पड़ी होती हैं, जैसे कि सपोज एक वाटर बॉटल है आपके पास, हम पानी या हमने कोक, मोस्टली कोक सभी लोग पीते हैं, तो उसका जो आप पेप्सी या कोक पीते हो तो उसकी बॉटल फेंक देते हैं, तो उसको फेंकने के बजाय आप वो चीज़ें देखेंगे कि इस अपशिष्ट पदार्थ से हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। तो हम आगे अपनी क्लास में देखेंगे कि किस तरीके से जैसे प्लास्टिक के जार हैं, कौन कौन सी सामग्री हो सकती हैं वो ये देखते हैं कि जैसे प्लास्टिक के जार और बोतलें हैं, खाली डिब्बे हैं या खाली गत्ता या बॉक्स है, डिब्बे हैं, पुराने टूथब्रश होती हैं, पुरानी बोतलें और विभिन्न प्लास्टिक कैप होती हैं, पत्रिकाएं और समाचार पत्र इत्यादि, इन सारी चीज़ों का हम इस्तेमाल, और या पुराना कपड़ा है, फटे कपड़े हैं, स्ट्रिंग्स हैं, थ्रेड्स हैं, बीड्स, गोल्डन रिबन, गोटा, सुतली इत्यादि, जैसे चूड़ियाँ हो गए, टाइल्स हो गए, स्विच हो गए, या पुआल, पाइप, आइसक्रीम, टब, चम्मच, बल्ब, ट्यूबलाइट, जार इत्यादि। और 12 नंबर पे जैसे प्राकृतिक सामग्री जैसे नारियल के गोले, पिस्ता के गोले, अखरोट के गोले, छाल, टहनियाँ, पत्ते, कंकड़, पंख इत्यादि, इन सारी जितनी भी सामग्रियाँ हैं इन सब का यूज़ करके हम किस तरह से, बस हमें क्लासरूम में किस तरह से हम प्रशिक्षित कर सकते हैं। अब इसमें हम ये देखते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हमें छात्रों को हर एक स्टेप में, जैसे हमने जितनी भी सामग्रियों का जिक्र वर्णन किया, उन ज़रूरी कि उन सारी सामग्रियों से रिलेटेड आपको टेक्निक बतानी है, बेसिकली छात्रों को थोड़ा सा मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। आपने जैसे इसमें हम यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं कि जैसे आपके पास एक मैच स्टिक है, अब मैच बॉक्स होता है, माचिस जिसके हम कहते हैं, तो सबके घर में मिलते हैं। अब मैच बॉक्स ख़राब हो जाते हैं, आप फेंक देते हो, तो उसका हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, जैसे ये ड्रॉअर बनवा सकते हैं। अब एक सिंपल 4-5 आपने एक लाइन से रखी मैच बॉक्स, उसके ऊपर आपने पेस्टिंग कर दी एक कलरफुल पेपर से, तो एक ड्रॉअर, और उसमें बीच में आपने क्या किया, थंब पिन लगा दिया। अब उससे क्या है, वो एक ड्रॉअर का शेप, जैसे बच्चे अपनी खेल कूद में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप छोटी छोटी चीज़ें रखने में, पिन हो गई, पिंस वगैरह रखने में यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें देखते हैं, जैसे ये है
हमारे पास प्लास्टिक की बॉटल्स हैं वो ख़राब हो जाती हैं, तो अब उसको हम कट करके उसमें कलरफुल पेपर है, रैपिंग पेपर है, ग्लेज पेपर है, उसको डिफरेंट शेप में कटिंग करके हम उसे पेस्ट करके अपने लिए पेन होल्डर भी बना सकते हैं। तो बेसिकली इन जितनी भी सामग्रियाँ हैं उन सामग्रियों को आपको क्या करना है, इसका यूज़ करना बच्चों को, बेसिकली एक दो आपने उसको मार्गदर्शन किया और फिर बच्चों को आपने उसकी कल्पना शक्ति के अकॉर्डिंग उनको आपने समझा दिया कि ये सारे सामग्रियाँ होती हैं, फिर वो उसको अपनी सामग्रियों के अनुसार अपनी कलाकृतियों को अपनी कल्पना शक्ति के यूज़ करके फिर उसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें यूज़ करते हैं। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास नॉर्मली पेपर रोल होता है, तो पेपर रोल अगर फिनिश हो गया तो उस रोल के थ्रू हम चूड़ी केस ये बना सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर है कि अगर हमारे पास शीट्स हैं वो अनअवेलेबल होती हैं तो उसको हम, या हमारे पास कोई भी सीडी है तो सीडी को ऊपर हम कलरफुल पेपर कवर करके उसको कटिंग करके फिश का शेप भी बना सकते हैं, या ग्लास है तो ग्लास जो डिस्पोजेबल ग्लास होते हैं वो अमूमन हम फेंक देते हैं, तो उस ग्लास डिस्पोजेबल ग्लास को एक दूसरे से जॉइंट करके पेस्ट करके या आप उसे स्टेपलर करके इस तरह से वॉल हैंगिंग भी बना सकते हैं हम। और यहाँ पर देखें जैसे न्यूज़पेपर, हम मोस्टली न्यूज़पेपर के तो बहुत सारी वेराइटी होती हैं, जैसे न्यूज़पेपर अगर आपके पास हर किसी के घर में होता, अब उस न्यूज़पेपर को छोटे छोटे बारी बारी क्वाइल बना करके उसको पर्स के शेप हो गए, बास्केट हो गए, ये बहुत सारी उपयोगी वस्तुएं भी हम बना सकते हैं। तो बेसिकली जितनी भी अवशिष्ट पदार्थ हैं उसको हम किस तरह से यूज़ करना है, ये सारी क्रिएटिविटी इस तरह से हम थोड़ी बहुत टेक्निक हमने अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को हेल्प की, फिर उसके बाद वो खुद से उनको फ्री एक्सप्रेशन करने का मौका देते हैं, फिर वो खुद से वो उन सारी चीज़ों को यूटिलाइज़ करना किस तरह से बहुत सारी चीज़ें हम बना सकते हैं, है ना। तो ये जितने भी मटेरियल हैं इन मटेरियल का हमें अपने विजुअल एक्सप्रेशन में अपने आप को, जो हमारे दृश्य कला है, दृश्य कला को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, चाहे वो हम कोलाज के माध्यम से हम कैसे कर सकते हैं, हम मिक्स मीडिया के माध्यम से कैसे कर सकते हैं, इन सामग्रियों का हम कैसे यूज़ करेंगे, या हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मेथड एंड मटीरियल में भी आप देख सकते हैं। शिक्षार्थियों, उम्मीद करती हूँ कि आपको जितनी भी हमने जो भी हमने सामग्री के बारे में, जो विजुअल आर्ट है, उस विजुअल आर्ट को जितनी भी सामग्री इस्तेमाल होती है, जैसे पेंसिल है, कलर है, और छापा चित्रण के लिए जो चीज़ें यूज़ होनी चाहिए, और या पेपर फोल्डिंग में कौन कौन से पेपर हम यूज़ कर सकते हैं, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, यानी जो शिल्प में हम कौन कौन से मटेरियल जो कि सस्ते भी होते हैं, हमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, बस हमें अपनी क्रिएटिविटी और कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करना होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इसका इस्तेमाल आप अपने आने वाले क्लास में, या आप अपने पोर्टफोलियो को बहुत अच्छा बनाने के पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद।